समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव के नेतृत्व में मंगलवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के आम चुनावों के संपन्न होने के बाद जिनकी भी हत्याएं हुई हैं उनकी पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। मृतक के परिजनों को सुरक्षा और 20 लाख की मुआवजा राशि मिले। इस दौरान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, जवाहर मौर्या, मिर्जा कादिर बेग, फिरंगी प्रसाद, राम भुआल निषाद, अमरेंद्र निषाद सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी मुलायम सिंह यादव, माननीय उत्तर प्रदेश में लोकसभा के आम चुनाव के संपन्न होने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किए ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को उत्तर प्रदेश में 23 मई से मतगणना के बाद से और आज 4 जून है। अब तक विभिन्न जनपदों में लगभग 37 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर हो गया है। प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त है। इसके लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने आए हैं जरिए जिलाधिकारी कि जो हमारे नेताओं की मौत हुई है, मारे गए हैं जो हमारे नेता, उन नेताओं के परिजनों को सुरक्षा दी जाए, 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और पूरे प्रदेश में इस तरीके का जो ये घटना हो रही है उस पर संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि ये घटनाएं बंद होनी चाहिए।